हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं हूं अक्रम, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल द स्टडी हब। तो गाइस, आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में। हमारी ये पहली वीडियो है। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिलेबस डिस्कशन, जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी पे हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, वीडियो को एंड तक वॉच करो। तो गाइस, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी होता क्या है, ज्योग्राफी का मीनिंग क्या होता है। गाइस, जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। गाइस, जियो मीन अर्थ, जियो मीन अर्थ एंड ग्राफी मीन स्टडी। तो गाइस, स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। स्टडी ऑफ अर्थ को हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बाद आता है कि सबसे पहले वर्ड ज्योग्राफी किसने दिया था, किसने यूज़ किया था। वो एक ग्रीक स्कॉलर और मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था एर्थोस्टन। उसके बाद आता है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको कहा जाता है। फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है एर्थोस्टेन को। उसके बाद जो ज्योग्राफी है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिलेबस डिस्कशन ऑफ JKUT की जो ज्योग्राफी है उसका सिलेबस डिस्कशन। हम कौन सी चीज़ पढ़ेंगे, किस चीज़ को आपको मजबूत करना है। मजबूत तो गाइस हर एक चीज़ को करना है कि इस दौर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपने जब पंचायत अकाउंट का रिजल्ट देखा, उसमें 80 कट लगा था ओपन मेरिट का, तो आज फाइनेंस अकाउंट का रिजल्ट देखा तो नियर 80 कट लगा था ST का। गाइस, अब जो कैटेगरी हैं जैसे ST हो गई, SC हो गई, उनमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो गाइस, आपको मेहनत करनी होगी इस कंपटीशन को बीट करने के लिए। तो गाइस, चलो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सिलेबस डिस्कशन। सबसे पहले हम करेंगे सिलेबस डिस्कशन ऑफ जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है और कौन सा टॉपिक कम पढ़ना है। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी की लोकेशन देखेंगे मैप पे। आप, मैंने पहले भी एक लेक्चर अपलोड किया है इसी यूट्यूब चैनल पर मैप्स, लोकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट के बारे में, वो भी आप देख सकते हो। जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसमें एरिया देखेंगे जम्मू कश्मीर का, यूटी का कितना है, कश्मीर डिवीज़न के अंदर कितना एरिया आता है, जम्मू डिवीज़न के अंदर कितना एरिया आता है, स्टेट थी जब जम्मू कश्मीर उस वक्त कितना एरिया था, कितना एरिया लद्दाख यूटी के अंदर आता है। वो तो चलो गाइस बाहर का एक टॉपिक है, मगर चलो डिस्कस कर लेंगे, कोई नहीं। उसके बाद देखेंगे हम पॉपुलेशन, यूटी में पॉपुलेशन वाइज क्या रैंक है जम्मू कश्मीर की, ऑल ओवर स्टेट और यूटी को मिलाकर देखा जाए जम्मू कश्मीर की क्या रैंक है। उसके बाद देखेंगे बाउंड्रीज, कौन कौन सा, मतलब कंट्री बाउंड्रीज जम्मू कश्मीर के साथ शेयर करता है, कौन कौन सी यूटीज बाउंड्री जम्मू कश्मीर के साथ शेयर करती है, कौन कौन सा स्टेट जो है वो बाउंड्रीज जम्मू कश्मीर यूटी के साथ शेयर करती है। उसके बाद हम देखेंगे फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ जम्मू कश्मीर। फिजियोग्राफिक जो डिवीज़न होगी, इसमें हम पढ़ेंगे गाइस सबसे पहले आउटर प्लेन के बारे में, उसके बाद शिवालिक के बारे में, उसके बाद मिडल हमालिया के बारे में, उसके बाद पीर पंजाल रेंज के बारे में, उसके बाद ग्रेटर हमालिया के बारे में। तो गाइस, आपको ट्रिक्स भी बताई जाएंगी कि कौन सी चीज़ आपको कैसे पढ़नी है, आपको ट्रिक्स भी बताई जाएंगी। तो गाइस, बने रहो आप वीडियो के एंड तक। तो गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद फिजियोग्राफिक डिवीज़न। फिजियोग्राफिक डिवीज़न के बाद हम पढ़ेंगे माउंटेन रेंजेस एंड पासिस ऑफ जम्मू कश्मीर। फॉर एग्जांपल, बनिहाल पास हो गया, पीर पंजाल पास हो गया, जैसे जिसको हम पहले पीर की गली भी कहा जाता था। उसके बाद हम पढ़ेंगे मिनरल्स हैं जो जम्मू कश्मीर में, इनके बारे में। मिनरल्स में जैसे हम पढ़ेंगे जिप्सम के बारे में, लाइमस्टोन के बारे में, स्फीयर, SPHIR, स्फीयर के बारे में। जो स्फीयर है गाइस, ये पाउडर किश्तवाड़ में
ओनली जम्मू कश्मीर में बॉर्डर किश्तवाड़ में पाई जाती है। उसके बाद गाइज हम डिस्कस करेंगे साइल्स जो होती हैं, जैसे करवा साइल हो गई, जिसको वुडार भी बोलते हैं, वुडार भी बोलते हैं। कहा जाता है कि गाइज सैफरान जो होता है ना, सैफरान की कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट साइल इसको माना जाता है कि बेस्ट जो मिट्टी होती है उसके लिए करवा साइल का होना लाजमी और ज़रूरी है। ये कश्मीर वैली में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, झलम की लेफ़्ट और राइट साइड में पाई जाती है। ज़्यादातर ये पंपूर में, पलवामा में मिलती है। उसके बाद गाइज हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट गाइज, इससे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लाइमेट में हम देखेंगे सबसे पहले वेदर क्या होता है, उसके बाद क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट के बाद हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है वेदर और क्लाइमेट में, उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर इफेक्ट क्या कौन कौन से करते हैं जम्मू कश्मीर के क्लाइमेट को, उसके बाद हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर का जो क्लाइमेट है नॉमेनक्लेचर ऑफ सीज़न देखेंगे कश्मीर के हिसाब से, उसके बाद सीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद मंथ कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है, हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है, उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे जब हम क्लाइमेट पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्रॉप्स पे आएंगे गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू JKSSB के हिसाब से, अगर देखा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि लार्जेस्ट प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा एप्पल किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, बासमती राइस सबसे ज़्यादा किस जगह की फेमस है। सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे पैटर्न, मतलब जैसे रबी क्रॉप हो गई, खरीफ क्रॉप हो गई, जैद क्रॉप हो गई, इनके बारे में देखेंगे कौन सी क्रॉप किस सीज़न में होती है, कौन सी क्रॉप्स जो है किस सीज़न में होती है। उसके बाद फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर में हम पढ़ेंगे गाइस के फ्रूट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स। पिछली बार ही जब जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसमें मैंने 5 या 7 क्वेश्चन ऐसे देखे थे जो वराइटीज़ में पूछे गए थे, जैसे एप्पल की वराइटीज़ पूछी, मैंगो की वराइटीज़ पूछ ली, किसी वेजिटेबल की वैरायटी पूछ ली, आपको वैरायटीज़ का याद करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सेरीकल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, सेरीकल्चर यानी सिलकवॉर्म कैसे अटेंड की जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद इरिगेशन, इरिगेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, इरिगेशन में क्या क्या आएगा गाइस, जैसे कनाल्स हो गई उनके बारे में हम देखेंगे, जैसे मार्टन कनाल, प्रताप कनाल, रणबीर कनाल, इन सब के बारे में हम जब इरिगेशन पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद गाइस हम पढ़ेंगे रिवर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू JKSSB के हिसाब से अगर देखा जाए। रिवर्स में हम देखेंगे कि रिवर्स जम्मू कश्मीर के बारे में हम पढ़ेंगे, रिवर्स में हम ये जानेंगे कि कौन सा रिवर कहाँ से निकलता है, कहाँ से फ्लो करता है, उसके बाद कहाँ जाता है, किस दरिया में मिलता है, ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे, इनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेक्स, जितने भी लेक्स हैं जैसे वुलर लेक हो गया, अंचार लेक हो गया, डल लेक हो गया, मनसबल लेक हो गया, गंगाबल लेक हो गया, मनसर लेक हो गया, सनसर लेक हो गया। उसके बाद गाइस हम देखेंगे स्प्रिंग्स हैं जो जम्मू कश्मीर की उनके बारे में, स्प्रिंग्स में गाइस हम देखेंगे जैसे वेरीनाग स्प्रिंग्स हो गया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद गाइस हम पढ़ेंगे ग्लेशियर्स हैं जो जम्मू कश्मीर के उनके बारे में, ग्लेशियर्स में हम देखेंगे गाइस, ग्लेशियर्स में हम देखेंगे जैसे कुल्हाई ग्लेशियर हो गया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यह गाइस एक पूरा रफली सिलेबस, सिलेबस आपको ये मैंने सिलेबस डिस्कस किया। तो गाइस बाकी जो यूट्यूबर हैं उनसे हमारा एक अलावा तरीका होगा पढ़ाने का, अलग तरीका होगा। हम सबसे पहले एक टॉपिक को पढ़ेंगे, जैसे हमने इंट्रोडक्शन ऑफ जम्मू कश्मीर को कंप्लीट किया, उस पर टॉप 30 या 40 MCQ बुलाएंगे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। एक मतलब फ्रेज वर्ब है कि प्रैक्टिस में ना मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस जो है इंसान को परफेक्ट बनाती है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट हो जाओगे। तो गाइज आप हमारे चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जितने भी JKSSB SSC रेलवे आरआरबी NTPC JKPSC जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। तो गाइस चलो इस वीडियो को हम इधर ही करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।